प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में पेश हुए बजट के बाद चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहियां। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.5 घंटे लंबा बजट आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बजट में लोगों को भ्रमित किया गया है। इस बजट से महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने वाली। इस बजट में लोगों की उम्मीदों को तोड़ा गया है। ये बजट केवल और केवल भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट कम किया गया है, जो सही नहीं है। बजट में गरीब किसान को कोई राहत नहीं मिली। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है। ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। उन्होंने कहा कि अब SYL की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। उन्होंने कहा कि सरकार का बेरोजगारी को दूर करने की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिर क्या कुछ कहा। ये कोई विजन, जैसे मैंने कहा, नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका, 5100 तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद 3100 BJP का था। नो वे नियर 2250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा दी। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल पे जो स्टेट का वैट है, जो हमारे समय में था, उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लागत बढ़ी। मैं बजट पे भी आऊँगा फिर मोटे मोटे आपको। आपका अब एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसीप्ट हैं, उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब क्योंकि और ले लिया इन्होंने लोन, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट में जाएगा, और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया? 95% हो गया। तो कितना पैसा है विकास के लिए बचा भाई? पैसा स्कोप फॉर सोशल एनरोलमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा? 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है? क्योंकि इनके पास 5% है। अब कोई है, अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी इनकम नहीं, लोन जो था पर कैपिटा जो है लोन, पिछले में 90,000 रुपये था हर व्यक्ति है। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1,00,000 रुपया कर्जा लेके पैदा होगा हरियाणा में। ये अपने सिर पर लेके पैदा, हाँ, अपने सिर पे 1,00,000 का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,42,342,343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 2021 में। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर अलाइड्स का 4.2% था, इस साल वो घटाकर 3% कर दिया। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 थी, जो 2019-20 में थी। ये तो वो भी 2021 में भी कम हुई, और पर कैपिटा अब के भी पर कैपिटा इनकम कम हुई क्योंकि कोरोना की वो है, हम समझ सकते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम और फार्मर को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका
63,773 आता है एज पर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का है, विच इज वो जो है आपका मिनिमम वेजी से भी कम है, जो मिनिमम वेजिज है उससे भी कम पर कैपिटा इनकम किसान की आती है एग्रीकल्चर में। जो ग्रोथ ऑफ स्टेट लायबिलिटी है वो जब से इनकी सरकार आई है एवरेज 18% हर साल बढ़ रहा है, और जीडीपी जो है वो अराउंड, वैसे तो इतना नहीं है आपके, कम है, कई बार कम भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ एवरेज 8% बढ़ा है। तो इतना गैप जो है इसका मतलब क्या होगा, इसी तरह ये चलते रहे तो स्टेट इकोनॉमी जो है इस प्रकार की इंक्रीज बियर नहीं कर सकती है, और ये सिस्टम कंटिन्यू इट विल फेस, स्टेट विल फेस बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। एजुकेशन की जो इन्होंने कहा है, अगर आप वो देखेंगे, पहले तो एग्रीकल्चर का देखो, मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री जी गवर्नर एड्रेस पे जवाब दे रहे थे तो मैंने कहा था भाई एग्रीकल्चर पे हमारे समय में टैक्स था फर्टिलाइजर पे, अब 5% टैक्स लगा, और पेस्टिसाइड्स पे 12% और 18% तक का टैक्स लगा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, सब पे 5% है, ये रिकॉर्ड की बात है, 12% आप देखें पेस्टिसाइड्स पे, जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड्स, जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड्स पे जो है 18% बढ़ा, और जो आपका लेबर रेट है 205 से 347 रुपये पहुँच गया। तो कितनी महंगाई का सामना इसको करना पड़ा है। एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का जो आपने कहा, एजुकेशन का कहा इन्होंने कि बजट बढ़ा है, एक्चुअल में वो घटा है बजट एग्रीकल्चर का, है ना, सॉरी एजुकेशन का, एग्रीकल्चर एजुकेशन का निकाला, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने आपके टेक्निकल एजुकेशन जोड़ दिया है। तो पिछली बार जो बजट था उसमें एजुकेशन का भी बजट घटा है, टेक्निकल एजुकेशन जोड़कर वो बढ़ा है। उनके पेज उस पर है, पेज निकाला नहीं, उनका स्पीच का। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।